आपका फिर से स्वागत है बैचलर्स चस्का पर। मेरी फैमिली ओरिजिनली दिल्ली से है और सभी जानते हैं कि दिल्ली की चाट पूरे देश में मशहूर है। तो आज मैं अपनी फेवरेट चीज बनाने जा रहा हूं और वो है दिल्ली वाली आलू की चाट। इस रेसिपी के लिए हम ये बड़े वाले आलू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनसे क्वांटिटी भी ज्यादा बनेगी और मैंने ऐसे 5 आलू लिए हुए जिनसे आराम से आप 4 लोगों के लिए चाट बना सकते हैं। सबसे पहले हम इन आलूओं को छील लेते हैं। अब हमारे आलू छिल गए हैं और अब इनको हम बाइट साइज पीसेस में काटेंगे। मैं आलू को इक्वल साइजेस में चॉप कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो तो आप इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं। आलू कट चुके हैं और मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ये तेल गरम होगा हम इन आलू को फ्राई कर देंगे। तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब इन आलू को तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें ऐसा ही रंग चाहिए था इनका। और अब हम इनको निकाल के किचन टॉवल पर ड्रेन कर लेंगे। अब आलू फ्राई हो चुके हैं और अब हम बनाएंगे आलू की चाट। पहले हम आलू को एक बोल में डाल देंगे। जैसे कि आप सुन सकते हैं ये बिल्कुल क्रिस्पी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच मीठी चटनी, 2 बड़े चम्मच हरी चटनी। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और आधे नींबू का जूस। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये रही हमारी आलू की चाट बिल्कुल तैयार। इसको देखकर ही मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, तो मैं इसको खाने वाला हूं। बहुत ही चटपटी है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत अच्छी बनी है। आप प्लीज बनाकर देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही आसान और चटपटी रेसिपीज के लिए देखते रहिए बैचलर्स चस्का।